धुबरी में अहिंसा प्रवचन माला महोत्सव। धुबरी में अहिंसा प्रवचन माला महोत्सव के अवसर पर दिगंबर जैनमुनि राष्ट्रीय संगठन आचार्य प्रमुख सागर महाराज ने जिले के डूमरदाह से विशाल पद यात्रा की। आज सुबह जैनमुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज सड़क का भ्रमण करने के बाद धुबरी पहुंचे। धुबरी शहर में गुरु तेग बहादुर रोड पर बीओसी मोड़ से बिहू नृत्य, ताल, खोल, नगरा, बाइक रैली आदि ने विशाल सांस्कृतिक जुलूस निकाला और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धुबरी के मुख्य बाजार स्थित चावल पट्टी पहुंचे। धुबरी शहर के वार्ड नंबर 5 में स्थित चावल पट्टी में आयोजित संस्कार की थीम पर सत्संग में कैसे खुश रहे उपस्थित भक्तों के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों को अहिंसा प्रवचन माला महोत्सव में भाग लेने के साथ साथ राष्ट्र के संत और असम सरकार के शाही अतिथि जैनमुनि आचार्य। उन्होंने कहा, मैं असम इस तरह आया हूँ जैसे मैं आसमान में आया हूँ। मैंने असम में प्रवेश करके खुशी उपलब्ध की है। असम में विभिन्न जातियों और जनजातियों के लोग एकता, शांति और सद्भाव में रहते हैं। मैं मानव धर्म, भारतीय संस्कृति, एकता, सद्भाव आदि का प्रसार करने के लिए धुबरी आया हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी पूजा या प्रार्थना के स्थान हैं। लोग इस पवित्र स्थान से पूजा या प्रार्थना करके मानव सभ्यता का परिचय देते हैं। नवभारत समाचार धुबरी असम से सुकन्या दे के साथ सैयद नूरुल आमीन की रिपोर्ट। मानवता को जगाने आया हूँ। कहाँ विलुप्त हो गई हमारी भारतीय संस्कृति, उससे तुम्हें परिचय कराने आया हूँ। कहाँ विलुप्त हो गई हमारी भारतीय संस्कृति, आप विचार करके लगना। हमारे संस्कार वो थे, प्यादे का लुटकर हम लोग माता पिता के चरण छूते थे। हमारे संस्कार वो थे, हम जब भारतीय परिधान को पहनकर निकला करते थे, हमारे हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें हुआ करती थी। आप विचार करके लगना, हमारे संस्कार वो थे, जहां से निकल जाते थे वहां से लोग नमस्कार और प्रणाम करते थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति का उदाहरण। हमारा भारत का विश्व स्थान कौन सा है? आप ख्याल करके, जब भारत में वो पैर रखने लगा, जब भारत में गाड़ी से, प्लेन से, ट्रेन से उतरने लगा, उसने अपने चप्पल और जूतों को गाड़ी में छोड़ दिया। किसी ने पूछ लिया, आप अपने चप्पल, आप अपने जूते एक गाड़ी में क्यों छोड़ रहे हो? इनको पहन कर क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं उतर रहे हो भारत में? उस अंग्रेज ने, पहला वो अंग्रेज आया था, उसने कहा था, मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं और मंदिर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता है। ख्याल करके रखना, इतनी उनकी मानसिकता ऊंची थी इस भारत के लिए। विश्व के नक्शे को उठाकर देखना, विश्व के नक्शे में अगर भारत का नक्शा देखोगे ना, तो उसका आकार पूरा का पूरा मंदिर की तरह ही मिलेगा। ये भारत हमारा माता के समान है, इसीलिए भारत को क्या कहा गया? बोलो ना, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करो, भारत माता। आप विचार करके लगना, इसीलिए इसे माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि माँ संस्कार सिखा सकती है। माँ के पास 100 टीचर 1 मदर, 100 टीचर जो संस्कार नहीं दे सकते, वो संस्कार एक माँ दे सकती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने, हमारे जो भी महारथी हुए उन्होंने इस नाम, इस देश का नाम भारत माता रखा, क्योंकि माँ ही संस्कार सिखा सकती है। विचार करना, आज तक किसी देश का नाम और माता के ऊपर नहीं आया। कभी कहा गया अमेरिका अम्मा, पाकिस्तान अम्मी, लंदन मदर, कहा गया? किसी देश को मां नहीं कहा गया, क्योंकि भारत को ही मां कहा गया, क्योंकि मां संस्कार दिया करती है। और वास्तव में मां के संस्कार एक बार प्राप्त हो जाए ना, तो व्यक्ति कभी अंधेरे में भी ठोकर नहीं खाता है। मां के संस्कार ऐसे ही संस्कार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्प दंत्यात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम तुभ्यं नमः तुभ्यं नमः चित्तलामलोजिन्य भवो ददिशोषिणाय पुष्प दंत को नित्य नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाऊं में निर्वाण पाऊं में निर्वाण पाऊं में निर्वाण।
बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान बाहुबली स्वामी की, भगवान रामचंद्र की, भगवान हनुमान की, दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री संमति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, संघ की आप धारे हैं अहिंसा प्रवचन माला महोत्सव के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे ध्रुवीवासियों को तथा असम वासियों को? अहिंसा प्रवचन माला के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अहिंसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। सर्दी गर्मी बरसात ये सब अहिंसा के लिए ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सर्दी ना पड़े तो अनाज सुरक्षित नहीं हो सकता है, गर्मी ना हो तो अनाज पकेगा नहीं, और बरसात ना हो तो अनाज उगेगा नहीं। अनाज नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए अहिंसा के लिए ही सर्दी होती है, अहिंसा के लिए गर्मी, अहिंसा के लिए बरसात। आज अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वह अहिंसा के लिए ही बनता है, अगर वो नहीं होगा तो लोग मरने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। अगर कोई एडवोकेट होता है वो भी अहिंसा के लिए, जज होता है वो भी अहिंसा के लिए, पुलिस है वो भी अहिंसा के लिए, और मैं तो कहूँगा सीमा पर सेना खड़ी है वो भी अहिंसा के लिए खड़ी है। अगर वो नहीं होते तो आज कहाँ कहाँ से घुसपैठिया और आते और आतंकवाद मचाने का प्रयास करते। और तो दूर ना जाओ, आप सब लोग अपनी गाड़ी में जो ब्रेक देखते हो, आपकी गाड़ी में भी जो ब्रेक लगा है वो भी अहिंसा के लिए ही लगा है। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो रोज एक्सीडेंट होते और रोज हिंसाएं हो रही होती। तो यह अहिंसा प्रवचन माला महोत्सव जो आज धोबड़ी में इस चौक में वार्ड नंबर 6-5 में आज हम जो आप बैठे हैं, इतना ही कहना चाहूँगा आपके अंदर अहिंसा, रहम, दया, करुणा, मोहब्बत, प्रेम, ये सब एक ही नाम है। रूप अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है, कहने वाले देवता अलग अलग हैं, लेकिन सबका सार एक ही है कि हमारे आपस में एक दूसरे के प्रेम के भाव बने, एक दूसरे के प्रति रहम के भाव बने, एक दूसरे के प्रति करुणा के भाव बने। हम सब मानव हैं, तो मानव मानव से जब मिलता है तो महामानव ईश्वर तैयार होता है, और सबका ईश्वर एक है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हम सबकी मानसिकता एक बने। अहिंसा प्रवचन माला महोत्सव जो आज से प्रारंभ हुआ है वो आपके सोए हुए संस्कारों को जगाने के लिए, आपको किसका सत्संग करना है उसके लिए, और कैसे आपको सुख प्राप्त हो वो सब चर्चा के लिए मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं अभी तो धोबड़ी में ये 3 दिन का कार्यक्रम मैंने रखा है, बाकी का आपकी भावनाएं, श्रद्धाएं, आस्थाएं पुण्य होंगी, क्योंकि साधुओं का रुकना जहाँ होता है पुण्य से होता है। तो यहाँ पर अगर और भावना होगी तो देखेंगे। अभी हमने 3 दिन का कार्यक्रम आपको दिया है, 3 दिनों में लाभ होगा। आसाम वासियों के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैंने जब आसाम में प्रवेश किया तो मैंने इतना ही तो कहा कि बंगाल में जैसे खाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं तो आसाम में आसमान, क्योंकि सबसे पहले पूरे भारत में अगर सूर्योदय होता है तो आसाम में होता है, तो वो सूर्योदय आसाम का जो सबसे पहले हो रहा है ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो ऐसे ही आसाम की संस्कृति सब जगह जाए। आसाम आसाम नहीं है, आसाम आसमान है। मैं आसाम आसाम वासियों आसाम वालों को इतना ही कहूँगा कि मुझे मोए विराट भाल भाई सो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कितने अच्छे लोग होंगे जो आज संत को अच्छा लगने लगा है। तो इसलिए आप लोग और अच्छे बने, आपस में प्रेम आत्मीयता से रहें, नफरत के जहर को खत्म करें, अमृत के पान को प्राप्त करें, उसी में आपका कल्याण होगा। उसी संदेश को मिलते हैं। सरकार ने आपको राज्य की अतिथि का सम्मान दिया गया, इसके बारे में आपको क्या रखना? मैं आसाम सरकार के हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। उनने हमारा सम्मान नहीं किया, उन्होंने अपनी सरकार का सम्मान किया है। अब विचार करके रखना, जो सरकार सत्य का साथ देती है उसकी सत्ता सर्वत्र हुआ करती है, सर्वत्र फैला जाया करती है।
तो आज हेमंत विश्व शर्मा ने सत्य का साथ दिया है, हमारा सम्मान करना, उनका धर्म का सम्मान करना है। वो धार्मिक प्रवृत्ति हैं और मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपके नगर में अच्छे लोगों का सम्मान होगा, जैसे आज मुझे राजकीय अतिथि दिया, अच्छे लोग यहाँ आएंगे तो बुरे लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप जाओ, वो बुरे लोग भी उन अच्छों के साथ मिलकर बहुत अच्छे होते चले जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनको मैं बहुत आशीष दूंगा और इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर अच्छे आसाम में अच्छे लोगों का सम्मान है और ये सम्मान धर्म का है, उनकी सरकार का है, उनको मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः। सभी लोग खड़े होंगे, जनवाणी की।